आगे बढ़ें और आपको बताया कि जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन के खिलाफ तहकीकात का मामला FIA ने 13 अप्रैल तक 8 सवालात के जवाबात मांग लिए। जहांगीर तरीन को 13 अप्रैल को जवाब लेकर हाजिर होने की हिदायत की गई है। इस पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहिल अली से। जी राहिल कहिएगा। जी FIA में जो जहांगीर तरीन और उनके बेटे के खिलाफ जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की केस की तहकीकात की जा रही है और इसी हवाले से FIA की जानिब से लेटर जो है उन्हें जारी किया गया, जिसमें कहा यह गया कि 8 सवाल के जवाब आपके FIA अगस्त 20 से जो है वो मांग रही है, मगर उसके बावजूद उसके जवाब है वो जमा नहीं करवाए गए। जबकि जुमे को जब उन्होंने पेशी थी उनके FIA में तो उन्होंने ये यकीन दानी करवाई थी कि वो जवाब जो है वो जमा करवा देंगे, मगर अभी तक जवाब जमा नहीं करवाए, जिस पर FIA की जानिब से नोटिस जारी किया गया है, जिसे पूछा गया कि जेके फॉर्म की तमाम मशीनरी कैसे रसीदें जो है वो जमा करवाई गई, जबकि जेके फॉर्म जो उनके बेटे अली तरीन की और जिसे जहांगीर तरीन ने खरीदा था उसकी 35,000 एकड़ के रकबे के सबूत भी जो है वो जमा करवाए गए, जबकि जहांगीर तरीन ने जो अपने दमाद बहुत शुक्रिया आपका राहिल अली आप में अपडेट कर रहे थे।